ओम शांति। इस वरदानी मास कहेंगे जुलाई का मास, परम श्रद्धेय मनमोहिनी दीदी जी का मन से इसमें हम सभी अव्यक्त इशारा सुनेंगे। तो आज 9 जुलाई का अव्यक्त इशारा है, टॉपिक भी चल रहा है परोपकार की भावना से संपन्न बनो और आपकारियों पर भी उपकार करो। तो आज का महावाक्य है परमात्मा शिव बाबा का, कोई अपने संस्कार व स्वभाव के कारण आपके सामने परीक्षा के रूप में आए, लेकिन आप सेकंड में अपने श्रेष्ठ संस्कार से, एक की स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल का संस्कार व स्वभाव धारण कर लो, यही है उपकार करना। बाबा से क्या गाइड किए हैं कि कोई भी आत्मा आपके प्रति, आपके सामने अपने स्वभाव संस्कार के कारण परीक्षा रूप धारण करें, कोई भी आत्मा ऐसी बहुत अधिक अशांति फैलाने वाली हो, अपशब्द बोलने वाली हो, इंसल्ट करने वाली हो, तो भी बाबा बोलते हैं उनके प्रति भी श्रेष्ठ संस्कार धारण करो, उनके प्रति रहम दिल रखो, रहम की भावना रखो। और रहम दिल बनना, रहम का संस्कार धारण करना, ये भी है बाबा कहते हैं उपकार करना। तो ये टॉपिक भी चल रहा है, पर उपकार की भावना से संपन्न बनना है हमें और अपकारियों पर भी उपकार करना है। कैसी भी आत्मा हो, ग्लानी करने वाली, इंसल्ट करने वाली, अपशब्द बोलने वाली, क्योंकि वो अज्ञानतावश कर रही हैं या अपने पुराने स्वभाव संस्कार के वशीभूत होकर के कर रही हैं, तो ये प्यारे बाबा हम बच्चों को गाइड किए हैं कि कैसी भी आत्मा आपके सामने परीक्षा के रूप में आ जाए अपने गलत स्वभाव संस्कार के कारण, वो हमारे सामने पेपर बने, फिर भी हमें जो है उसके प्रति भी उपकार करना है। तो आज का सम्मान क्या लेंगे? आज का सम्मान इससे आएगा कि मैं ब्राह्मणात्मा सदा रहम की भावना से सर्व को परिवर्तन करने वाली, सर्व के प्रति स्नेह, सर्व के प्रति सहयोग की दृष्टि, रहम की दृष्टि रखने वाली उपकारी आत्मा हूँ। तो इस सम्मान का आज अभ्यास करेंगे और परम श्रद्धेय दीदी के समान बनने का दृढ़ संकल्प करेंगे, क्योंकि दीदी का भी सदा यही पुरुषार्थ रहा, जो उपकार करे उसके ऊपर हमें उपकार करना है। तो ये दृढ़ संकल्प करके आज का सम्मान लेंगे। अच्छा, ओम।